The Bitcoin scam, quote unquote, in Maharashtra, something that has uh, become a huge political flashpoint, and this comes hours ahead of the crucial Maharashtra polls. Well, the BJP says that the MVA is receiving. Illegal funding by misappropriation of Bitcoin. These are sensational allegations that the BJP has made. Though there are several audio clips also released by the, BJ, uh, by the BJP, NDTV cannot verify the authenticity of those clips. Uh, those are all audio clips released by the BJP. Supriya Sule, meanwhile, has hit back strongly. In fact, she has moved the election commission as well. She says that this is nothing but cyber crime and a bid to mislead voters, given the fact that this comes on the eve of the Maharashtra polls. Let's listen in to what BJP Sudhanshu Trivedi. Have to say. सबसे पहले वो ये बताएं कि जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजेक्शन है या वो इनलीगल ट्रांजेक्शन में भी इन्वॉल्व है yeah. तो हमारे साथ पांच प्रश्न है उनसे नंबर वन आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं और है तो वो लीगल है या इलीगल है नंबर दो कि आपने किसी प्रकार के इस गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क रहा है या नहीं तीसरी बात आपका किसी भी प्रकार संवाद में जो चैट है वो आपका है या नहीं चौथा ये आवाज आपकी है या नहीं और पांचवा ये बिग पीपुल कौन है ये पांच उंगलियों वाला पंजा इन पांच सवालों का जवाब नहीं देता है आकर तो आप ये समझ लीजिए कि ये साफ प्रदेश और देश की जनता ये समझ सकती है कि यह पंजाब किसके लिए क्या कार्य कर रहा था बीजेपी मेकिंग एलिगेशन दे रिमेबर एज scam as कैश वोट स्कैम what वेल रिमेंबर सुधांशु त्रिवेदी said. Is that uh, this is misappropriation of Bitcoin. There have been several allegations like this made in the past as well, even globally. You know, Bitcoin uh, becoming a sort of a, a way of funding elections. Remember, the kind of money that was pumped in Maharashtra, this election campaign, is something that has been of huge concern. In fact, we saw record number of seizures this time in the poll bound state as well, seizures worth over 600 crore rupees by the election commission. That's what the election commission data suggests. Uh, so money. जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सूले जी के बारे में दावा किया गया है क्या वो बिट क्वाइन के किसी भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है या नहीं और यदि तो है, तो है, है, है तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इनिगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है तो हमारे साफ साफ पांच प्रश्न है उनसे कि नंबर आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं इलीगल है नंबर कि आपने किसी प्रकार के इस गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क रहा है या नहीं तीसरी बात आपका किसी भी प्रकार संवाद में जो चैट है वो आपका है या नहीं चौथा ये आवाज आपकी है या नहीं और पांचवा ये बिग पीपल कौन है ये पांच उंगलियों वाला पंजा इन पांच सवालों का जवाब नहीं देता है आकर तो आप ये समझ लीजिए कि ये साफ प्रदेश और देश की जनता ये समझ सकती है कि ये पंजा किसके लिए क्या कार्य कर रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि यदि वो वास्तविक अर्थों में चुनाव जीतने की कोई संभावना भी देख रहे होते तो इस प्रकार के किसी इलीगल सोर्स से धन प्राप्त करने का कोई विचार उनके मन में ना आया होता कहीं ना कहीं यह पुनः दर्शाता है कि उनको हार दीवाल पर लिखी हुई इबारत के रूप में दिखाई पड़ रही थी यह आरोप उसको प्रमाणित करता है अब यहां पर मैं एक और बात करना चाहूंगा देखिए साहब डिजिटल इंडिया मोदी जी लाए मगर साहब आपने देखा कि अभी राहुल गांधी जी ने वो तिजोरी जोरी खोल के दिखाई थी ना कि उसमें कुछ नहीं है सब खाली है अब देश की जनता को यह समझना चाहिए कि तिजोरी का तो मामला ही नहीं था सब कुछ हाईटेक हो रहा था यानी अगर इस चीज को जो मीडिया में आई हुई खबर है यह सही है तो राहुल गांधी जी जवाब दीजिए तिजोरी का कहां मामला था क्वाइन नहीं बिट का मामला था इसका मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का हाईटेक यूज समाज के भले के लिए भले ही ना किया हो सुशासन के लिए भले ही ना किया हो पर भ्रष्टाचार के लिए किया है ऐसा प्रतीत होता है अब मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं यह केवल आरोप नहीं है हम एक आधार पर बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता इनको पहचाने कि ये कैसे कैसे कौन कौन से धंधे करते हैं और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं यह वो पार्टी है ना जिसकी सत्ता जब थी तो गृहमंत्री पे आरोप लगा था कि सौ करोड़ रुपया महीना वसूलवाते हैं आरोप किसने लगाया था पुलिस कमिश्नर ने भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो महाविकास आघाड़ी में हुआ था कि गृहमंत्री पर पुलिस कमिश्नर ने यह कहा हो और उसके बाद गृहमंत्री गिरफ्तार और पुलिस कमिश्नर फरार मंत्री गिरफ्तार और पुलिस कमिश्नर फरार ये जिस सरकार के कार्यकाल में हुआ हो तो वो विपक्ष में रह के कौन कौन सी कारगुजारियां कर रही होगी इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है इसीलिए हमने ये पांच सवाल करे हैं और मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं आज आखिरी रात है चुनाव से पहले की इन पांच सवालों का अगर जवाब नहीं दिया तो वो बहुत पुरानी फिल्म मुगले आजम का डायलॉग याद है ना ये रात साहेब आलम के मंसूबों पे बहुत भारी गुजरने वाली है क्योंकि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता उन मंसूबों का असली चेहरा बेनकाब होते हुए देखना चाहती है नकाब में जितना भी वोट डलवाने का प्रयास कर ले परंतु तो अब मुझे लगता है कि इसके द्वारा वो चेहरा बेनकाब हो चुका है धन्यवाद देखिए मेरा विचार है कि सुप्रिया जी एक वरिष्ठ नेता है तो उनको नैतिक राजनैतिक और कानूनी तीनों आधार पर जवाब देना चाहिए उनका जो ट्वीट है वो एक रस्म अदायगी का किया हुआ ट्वीट है जिसमें कि उनके ऊपर स्पेसिफिक आरोप जो लगे हैं उसका कोई स्पेसिफिक काउंटर उसमें नहीं है इसीलिए हमने उनसे साफ सवाल पूछे हैं कि उन्हें आकर कहना चाहिए कि गौरव मेहता अथवा गुप्ता जन नामक किसी व्यक्ति से उनका संबंध रहा है परिचय रहा है या नहीं उसके संपर्क में रही है नहीं किसी प्रकार का चैट का आदान प्रदान हुआ है या नहीं यह आवाज उनकी है या नहीं और बिट के ट्रांजेक्शन में कांग्रेस पार्टी या एनसीपी का किसी भी नेता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं और बिटकॉइन का लीगल ट्रांजैक्शन भी होता है और इलीगल भी होता है तो क्या इलीगल ट्रांजैक्शन में है कि नहीं इन बातों का जवाब दे दें में तो कोई बात नहीं दैट्स वाई वी हैव आस्क कैटेगोरिकली फाइव क्वेश्चन इन विच वन ऑफ द क्वेश्चन इज दैट दे शुड कम आउट एंड अन्यबोकली से दैट दिस इज देयर वॉइस ऑर नॉट अप टिल नाउ We have not seen any clarification or condemnation. As it has been said, a tweet has been said, which is a very vague and generic language. There is no specific to the point rebuttal of the allegation.